तो कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा, कौन रोकेगा? क्या सरपंच भ्रष्टाचार करता है? कोई बुजुर्ग कहता बेटा एक किले गली बना दे, दो किले गली बना दे, वो बन नहीं पाती जी, क्यों? टेंडरिंग प्रक्रिया ऐसी है। मेरी विधानसभा में 8 करोड़ रूपये बाकी है जी, 1 साल से उसमें कोई टेंडर लगे नहीं, बिल्कुल धीमी प्रक्रिया जी। आपके माध्यम से मंत्री कहना चाहता हूँ, ये 20 लाख की पावर दे दो, विकास कार्य हो जाएंगे। मैं सदन का ध्यान एक ऐसे मुद्दे के ऊपर कराना चाहता हूँ कि जो बहुत जरूरी है। अभी अभी पंचायत चुनाव हुए हैं और पंचायत चुनाव जो पहले 1.5 साल पहले सरपंच थी, जो पंचायतें थी उनको जो पावर थी 1.5 साल के अंदर वो पावर घटा दी गई। सरपंच को पावर थी 20 लाख तक के काम अपने सत्र पर कराने की, जो 2 लाख रुपए ये कहकर कर दी गई कि अब सरपंच नहीं है, पंचायत नहीं है, इसलिए जो है अधिकारी जो है इसमें कोई गड़बड़ी ना करें पंचायत फंड में, इसलिए 2 लाख रुपए की गई थी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो पंचायतें हैं उनकी पावर घटाने की बजाय बढ़ाने का कार्य करें। प्रजातंत्र के अंदर 3 टायर हैं, सबसे छोटी पंचायत जिसका मुखिया सरपंच होता है, उसके पास विधानसभा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है, विधायक होते हैं, और तीसरी पार्लियामेंट। किसी की भी कोई पावर घटाई नहीं गई, समय समय पर बढ़ाई जाती है। एमपी को एमपी लैंड कभी 5 लाख रुपए मिलती थी, उसको 5 करोड़ कर दिया गया। ऐसा क्या कारण है कि सरपंचों को जो है पावर घटाई जा रही है? वो पावर 20 लाख रुपए जो पहले थी कम से कम वो करने का कार्य करें। और रही बात उसके ऊपर तर्क देने की कि ई टेंडरिंग से कराएंगे 2 लाख से ऊपर के, 1,99,000 से ऊपर का ई टेंडरिंग से कराएंगे, मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ई टेंडरिंग से जो छोटे टेंडर हैं पहले तो कोई ठेकेदार लेने नहीं आएगा, लेगा उसको माइनस में भरेगा। आप 3 लाख का टेंडर कर दीजिए, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा, 18 × 54,000 रुपए हो गए, कुछ माइनस में करेगा, फिर वो गए, अधिकारी वही है, उन्हें बिल पास करना है, सरपंच कराएगा तो भी वही अधिकारी पास करेंगे, तो कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा, कौन रोकेगा? क्या सरपंच भ्रष्टाचार करता है? सरपंच चुने हुआ प्रतिनिधि है, जिस प्रकार से हम जवाब दे ही है, हम किसी गांव में 4 और 5 दिन में जल्दी करते हैं जाते हैं, सरपंच डेली वहां रहेगा, उसको रोज जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि बहुत से काम ऐसे हैं जिसके अंदर एस्टिमेट के अंदर नहीं लेते। खेत खलिहान के अंदर रास्ता बनाया जाता है, उसके अंदर लेवलिंग का पैसा नहीं दिया जाता एस्टिमेट के अंदर, जो रास्ता बन गया उसके साइड में जो मिट्टी लगानी है उसका पैसा नहीं दिया जाता, ठेकेदार बना के चला जाएगा। अध्यक्ष जी घंटी मत बजाना, अभी मेरे हल्के मुद्दे तो रह जाएंगे। हल्के के मुद्दे नहीं है आप, ठेकेदार तो बना के चला जाएगा, उसे कोई लेना देना नहीं उस रास्ते से। उसी प्रकार सरपंच तो कह के या तो किसान से लेवलिंग करा लेगा, सुनो, या तो किसान से लेवलिंग करा लेगा श्री जगबीर, या सरपंच फंड से कर जाएगा। अध्यक्ष जी हो गए, सब हो गए, जगबीर सिंह मलिक जी ये तो फिर बात नहीं हुई ना। जो सरपंचों की बात है जी, सरपंच गांव का जनप्रति होता है जी, पूरे गांव ने उसको जिम्मेवारी दी है जी, आपने हल्के की जिम्मेवारी दी है, सरपंचों गांव की जिम्मेवारी दी है जी। ठेकेदार काम करवा के चले जाते हैं जी, कोई गेट लगा के नहीं गया, कोई लाइन टूटी लगा के नहीं गया, कोई दीवारी नहीं करके गया जी, कहां जाएगा सरपंच? या गाल सरपंच खाएगा या एमएलए गाल खाएगा उसमें? क्यों, गांव में सरपंच रहता है,
एमएलए भी आना जाना होता है, तो अध्यक्ष महोदय जी मैं आपके माध्यम से मंत्रियों को कहना चाहता हूं भाई इसका 20 लाख की पावर दी जाए, गांव में जाएं। आज गांव में जाते हैं कोई बुजुर्ग कहता बेटा एक किले गली बना दे, दो किले गली बना दे, वो बन नहीं पाती जी, क्यों टेंडरिंग प्रक्रिया ऐसी है। मेरी विधानसभा में 8 करोड़ रुपए बाकी है जी एक साल से, उसमें कोई टेंडर लगे नहीं, बिल्कुल धीमी प्रक्रिया है जी। आपके माध्यम से मंत्री कहना चाहता हूं ये 20 लाख की पावर दे दो, विकास कार्य हो जाएंगे, क्यों पीछे कोरोना भी चला आंदोलन भी चला जी, काम नहीं हो पाए थे। अध्यक्ष मोदी जी आपका बहुत